मॉड्यूल 1 दूरसंचार संरचनाओं पर काम करने के मूल तत्व, टाटा कम्युनिकेशंस का परिचय, टाटा कम्युनिकेशंस के अनिवार्य सुरक्षा मापदंड, परिभाषाएं, टावर के काम के लिए सुरक्षित संचालन कार्यविधि। मॉड्यूल 2 दूरसंचार के कार्यस्थल और कार्यस्थल के मूल्यांकन के प्रकार, विभिन्न प्रकार की दूरसंचार संरचनाएं, कार्यस्थलों पर विभिन्न खतरे, मौसमी स्थिति के संपर्क में टावर वर्कर्स, कार्यस्थल के मूल्यांकन, कार्यस्थलों की श्रेणी, कार्यस्थलों की श्रेणी के उदाहरण। मॉड्यूल 3 संबंधित सावधानी और सिफारिशों के साथ क्रिया, टावर कार्य के लिए आवश्यक पीपीईज, पीपीईज का उपयोग कैसे करें, विशेष पीपीईज की आवश्यकता, टावर चढ़ाई के लिए सिफारिश और सावधानियां। टाटा कम्युनिकेशंस अपने कर्मचारियों, व्यावसायिक भागीदारों और जो हमारे व्यापार संचालन द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, उनके लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये प्रतिबद्धता टाटा संहिता आचरण से सुसंगत है। भारत में टावर में काम करने के लिए सैकड़ों टावर वर्कर्स लगे हुए हैं। ये वीडियो इन वर्कर्स के बीच सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। अनिवार्य सुरक्षा मापदंड। टाटा कम्युनिकेशंस में हमने अनिवार्य सुरक्षा मापदंड लागू किए हैं, जिन्हें ठेकेदारों और विक्रेता भागीदारों को अपने कार्य के प्रकार के अनुसार पालन करना होगा। वो है वाहन चलना, बिजली का काम करना, फाइबर के रखरखाव का कार्य करना, जमीन या मंजिल से 2 मीटर की ऊंचाई पर काम करना, वाहन चलाने के लिए अनिवार्य सुरक्षा मापदंड। कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए वर्कर्स अपने रहने के स्थान से ड्राइव करते हैं, तब ड्राइविंग करते समय उन्हें निम्नलिखित सुरक्षा मापदंडों का पालन करना चाहिए। वो है बाहरी प्रशिक्षण के साथ साथ कर्मचारी को स्वास्थ्य और सुरक्षा इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और प्रशिक्षण का आईडी कार्ड अपने पास रखना चाहिए। चालक को हमेशा विद ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्यविधि करनी चाहिए। ड्राइवर और पिलियन सवार दोनों को दुर्घटना हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। ड्राइवर को किसी भी 24 घंटे की अवधि में 8 घंटे से अधिक समय तक ड्राइव नहीं करना चाहिए। ड्राइवर शराब के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। ड्राइविंग करते समय पूरी कलाविधि तक रिफ्लेक्टिव जैकेट पहने रखना चाहिए। 4-व्हीलर्स के सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य है। टावर का काम करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन अनिवार्य है। ऊंचाई पर काम करने के लिए अनिवार्य सुरक्षा मापदंड। 1. कर्मचारी को करना आवश्यक है ए क्षेत्र में तैनात किए जाने से पहले कार्य के व्यावसायिक आंतरिक प्रशिक्षकों द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा इंडक्शन, जिसमें टीसी के द्वारा विकसित किया हुआ वीडियो का समझना जरूरी है।
जो ऊंचाई के काम और उस समय लागू होने वाली सुरक्षा का प्रशिक्षण देती है और उनके पास पहले 3 सप्ताह की अवधि के लिए शामिल होने की तारीख का प्रमाण होना आवश्यक है। सेवाओं के प्रारंभ से 3 सप्ताह के भीतर टीसी द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से ऊंचाई पर बाहरी काम का प्रशिक्षण और लागू सेवाओं को पूरा करते समय कर्मचारियों को अपने प्रशिक्षण का दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त करना चाहिए। बाह्य प्रशिक्षण 24 महीने के लिए वैध है, जिसके बाद कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। सुपरवाइजर को सेवाएं शुरू करने से पहले अपनी कर्मचारियों को टूल बॉक्स स्टॉक्स और सुरक्षा के प्रति खुलासा देना चाहिए। जब सुविधा के अंदर काम किया जाता है, काम शुरू करने से पहले EOHS टीम से काम परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। जब सुविधा के अंदर काम किया जाता है तो नीचे दिए गए किसी भी कार्य क्षेत्र न्यूनतम 15 डिग्री वर्टिकल एंगल को बैरिकेडिंग कोन और वर्निंग टेप के साथ बैरिकेड किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को सुपरवाइजर के बिना अकेले काम नहीं करना चाहिए। सेवाओं का प्रदान करते समय कर्मचारियों को अल्कोहल के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों को PPE का उपयोग करना चाहिए, जिसमें पूरे शरीर का कवच, फुल बॉडी हार्नेस, दोहरे पट्टे के साथ टोड़ी वाले पट्टे का हेलमेट, सुरक्षा के जूते, रिफ्लेक्टिव जैकेट और कॉटन के ग्लव्स शामिल हैं। सामग्री और उपकरण को सुरक्षित और बांध के रखें ताकि गिर न सके। परिभाषाएं। ऊंचाई पर कार्य। जब कोई काम अगले जमीन के स्तर से 2 मीटर से अधिक ऊंचाई पर किया जाता है तो इसे ऊंचाई पर काम करना कहा जाता है। एक दुर्घटना जो एक अनियोजित घटने के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके परिणाम से व्यक्तिगत चोट या संपत्ति का नुकसान होता है। एक घटना को एक अनियोजित घटने के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत चोट नहीं होती है लेकिन संपत्ति का नुकसान हो सकता है या वह रिकॉर्डिंग के योग्य होती है। नियर मिस एक अनियोजित घटना होती है जिसका परिणाम चोट, बीमारी या क्षति में नहीं होता लेकिन ऐसा होने संभावना होती है। एक जोखिम का मतलब व्यक्ति या व्यक्तियों पर हानि या प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव का एक संभावित स्रोत है। खतरा का मतलब जोखिम के संपर्क में आने पर किसी व्यक्ति को हानि पहुंचना या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना है। असुरक्षित कृति एक ऐसा कार्य है जो आम तौर पर मान्यता प्राप्त सुरक्षित तरीके से या नौकरी करने की विशिष्ट विधि से हटके होता है और जिससे एक दुर्घटना के लिए संभावनाएं बढ़ जाती है।
असुरक्षित स्थिति एक कार्यस्थल के वातावरण में मौजूद एक असंतोषजनक प्रत्यक्ष स्थिति है जो घटना की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण है। टावर्स के काम के लिए सुरक्षित संचालन कार्य पद्धति। कार्यस्थल पर पहुंचे, स्थानीय कार्यस्थल की जांच करें और प्रतिकूल मौसम, कार्यस्थल के आसपास के बिजली के केबल्स और टावर की ऊंचाई आदि खतरों की तलाश करें। सभी PPEs पहनकर गतिविधि के लिए तैयारी करें। सभी सुरक्षा उपायों के साथ गतिविधि को आगे बढ़ाएं। कार्यस्थल को सामान्य स्थिति में लाएं और ये सुनिश्चित करें कि सभी केबल्स ठीक से बंधे हुए हैं और ढीले नहीं हैं। कार्यस्थल को छोड़ दें।